जी सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचाने के लिए जो आपने अपना अमूल्य समय निकाला है, इसके लिए मैं आप सभी पत्रकार साथियों को, सोशल मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, ये भी जानना चाहेंगे, जब भी आप यहां दौरे पे आते हैं, आपको समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो तो प्रेम करते हैं, स्नेह देते हैं, अदर जो विचारधारा के लोग हैं उनका भी स्नेह आपको भरपूर मिलता है सर? भरपूर स्नेह मिलता। हम लोग सबको सम्मान देने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी की नीतियां, सिद्धांत है सबको सम्मान, सबको अधिकार देना। तो हम जिस दृष्टिकोण से सबको देखते हैं, लोग उस दृष्टिकोण में अपना सम्मान पाते हैं, इसलिए सारे लोगों का प्रेम स्नेह सम्मान हमें मिलता है। जी, जैसे कि आप विधायक हैं और जैसे आप, आपको स्नेह सब देते हैं, अलग क्षेत्र के लोग भी आपके पास आते हैं समस्या लेके कि सर हमारी समस्या है, शायद उम्मीद से आते होंगे? देखिए, मैं 3 बार पार्लियामेंट मेंबर लगातार रहा हूँ, 5 बार लोकसभा चुनाव रहा हूँ। पहले सैदपुर से MP हुआ करता था, बाद में मछली शहर से हुआ। तो हमारा एक दायरा जो है बहुत लंबा है और चारों तरफ लोग हमसे परिचित हैं, तो एक अपेक्षाएं लोगों की कि वहाँ चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और लोगों को, हर व्यक्ति को पूरा प्रयास किया जाता है उनको सम्मान मिले जो है, इसलिए काफ़ी लोग जो है क्षेत्र के बाहर से भी आते हैं। इस वक्त जो मुंबई दौरे पर आए हैं, कुछ विशेष कारण है क्या? कुछ थोड़ी सी जानकारी दे सके हमारे? इस वक्त मुंबई का दौरा जो है, स्पेशली हमारे बड़ी बेटी के बेटे का ऑपरेशन सैफी हॉस्पिटल में होना है। 2 बार हो चुका है, बाई बर्थ उसे कुछ फेस पे प्रॉब्लम थी, तो सैफी में या हॉस्पिटल में 2 बार ऑपरेशन हुआ, 3री बार ऑपरेशन होना है, तो उसी काम को लेकर के हम मुंबई आए हुए हैं। यहाँ और जो आप समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनसे भी मुलाकातें होंगी आपकी? उनसे जरूर मुलाकातें होंगी। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि मैं यहाँ हूँ, तो धीरे धीरे सुबह भी कई लोग आए मिल करके गए, और कई लोग कार्यक्रम भी मांग रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा जिस काम के लिए मैं आया हूँ उस काम में लगा हुआ हूँ, समय मिलने पर लोगों को बीच में कार्यक्रम देने करूँगा। विशेष तौर पर ज़्यादातर लोग यहीं आकर के मिल करके जाते हैं। थोड़ा सा सर मैं राजनीति पे भी आना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र से आप हैं आ रहे हैं, किस तरह का विकास कार्य आप द्वारा हो रहा है जनता तक जरा बताएंगे? देखिए, सरकार तो उत्तर प्रदेश में हमारी है नहीं, सरकार BJP की है। इसके बावजूद भी जो भी व्यवस्था एक सिस्टम का है, जो सिस्टम काम करता है, जो एक विधायक का अधिकार होता है, उस अधिकार के तहत जो भी हमें व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था के तहत हम लोग चौतरफा काम कर रहे हैं। लोगों को जहाँ भावनाएं हैं, काम तो कार्यकर्ताओं की इच्छा से किया जाता है, कार्यकर्ता जहाँ जो काम चाहता है उस काम को प्रयास किया जाता है कि पूरा किया जाए। सर, भ्रष्टाचार ऐसा समझ में आ रहा है कि वहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है और किसी खास वर्ग के लोगों को टारगेट करके उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, कितनी कुछ सच्चाई है इसमें? देखिए, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर इस सरकार में, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ देखने को मिला ही नहीं। और एक जो जात विशेष को इंगित करके ये सरकार काम कर रही है, उससे उस सरकार का ही जो है बदनामी हो रही है, उस सरकार की डिग्निटी जो है लोगों की निगाहों में गिर रही है कि ये सरकार एक जात विशेष के खिलाफ जो है काम कर रही है। अभी आपने देखा है ये बुलडोजर नीति उनकी जो है, तो सबके लिए एक समान होना चाहिए, सारे अपराधियों के लिए एक पैमाना होना चाहिए, हर अपराधी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये हर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई न करके जो है एक जात विशेष के खिलाफ एक मुहिम जैसा इन्होंने छेड़ रखा है, इसके लिए जो है पूरी जनता के तरफ से इनको बहुत बहुत जो है कि शिकायतें प्राप्त हो रही है। लोगों के दिमाग से ये उतर गए हैं कि ये केवल एक ही जात के लिए क्यों काम, अपराधी तो अपराधी होता है, अपराधी किसी जात विशेष नहीं होता है, तो अपराध हर अपराधी के साथ समान रूप से कार्रवाई सरकार को करना चाहिए था, लेकिन ये सरकार उसमें विफल रही है। सर, आपके पास राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव है, जरा ये सर बताएंगे कि अभी मोदी सरकार ने जो 2000 की नोट लाई, कहे कि हम काला धन वापस लाएंगे इसलिए 2000 की नोट लाए, लोगों ने विरोध किया, उसके बाद भी 2000 की नोट आई, अब वो इस 2000 की नोट को रिटर्न ले रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? ये कर्नाटक के चुनाव के हार से काफी BJP के लोग पीड़ित हैं, और रोज हमेशा कर्नाटक के चुनाव को लेकर कोई न कोई बात सोशल मीडिया पर हमेशा चलती रहती थी। एक तो इनका ये भी कारण था कि एक नोटबंदी कर देने से लोगों का दिमाग उधर से डाइवर्ट हो जाएगा, कर्नाटक के चुनाव में जो भाजपा बुरी तरह से हारी है, पराजित हुई है, उस पर से लोगों का दिमाग हट जाएगा। और यह सरकार हमेशा विफल रही है। 2016 में भी इन्होंने नोटबंदी किया था,
काला धन बाहर लाने के लिए जितनी नोट थी, जितना धन था, उतना धन जो है कि पूरा पैसा रिजर्व बैंक इंडिया में आ गया जो है। इन्होंने उसको ओपन नहीं किया। जब भी कई बार विपक्ष ने बात उठाया तो इन्होंने कहा अभी काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग हो रही है, गणना हो रही है। जितना पैसा था, नोट छपी थी, उतना पैसा बैंक में जमा हो गया। फिर काला धन कहाँ बचा जो है? ये कहते थे काला धन नोटबंदी से हम आतंकवाद पे जो है कि कब्जा करेंगे, आतंकवाद से कमज़ोर करेंगे, आतंकवाद समाप्त करेंगे। कहाँ आतंकवाद समाप्त हुआ? ये नोटबंदी 2016 में जो उन्होंने किया, क्या उसके बाद आतंकवाद नहीं हुआ जो है? तो ये 2000 की नोट भी जो इन्होंने किया है, ये एक सोची समझी इनकी रणनीति है लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए। और ये जो है 2000 नोटबंदी से सोचो काला धन कहीं रुकने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ जितना इन्होंने कदम उठाया सब इनका कदम फेल्योर गया है जो है। सब जगह ये असफल रहे हैं, इसमें भी असफल हो चुके हैं। सर ये भी जानना चाहेंगे, आपने आतंकवादी का नाम लिया तो पुलवामा जो अटैक हुआ था उस पे राजपाल मलिक सर ने कहा कि ये पूरी तरह से बीजेपी की गलती है, उनके कारण से ये चीज हुआ था। सतपाल मलिक जी ने जो कहा है सही कहा है, इसलिए मैं इस बात को सही कह रहा हूँ कि आज तक सरकार से लोग जानना चाहे कि पुलवामा कांड जो है कैसे हुआ, उसके अंदर किसकी कमियाँ, किस कमियों की वजह से इतना बड़ा जो है कि हमारे देश के नौजवान सैनिक मारे गए। लेकिन आज तक ये सरकार खुल करके कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि ये किस तरह से हुआ। आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो आपका सब फेल हो रहा, कैसे कार में RDX इतने बड़े पैमाने में कैसे रखा गया और कार कैसे घुसी, इस बात को देश की जनता जानना चाहती है कि ये बड़ी घटना कैसे हुई। आप पुलवामा करके आपने चुनाव जीता जो है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की जो नीयत है इतनी ख़राब है कि लोगों का ऑटोमेटिक शंका जाहिर हो जाती है कि पुलवामा कांड जो है सरकार द्वारा प्रायोजित कांड रहा है। जो जैसा सतपाल मलिक जी ने बाद में पूरा जो है कि उन्होंने खुलासा किया है, और जनता ने इसके पहले समझना शुरू कर दिया। लोग पहले से इसके मांग कर रहे थे कि इसका आप खुलासा करिए, कैसे कारघुसी जो है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। जबकि जवानों को हेलीकॉप्टर से वहाँ ले जाना था, हेलीकॉप्टर से न ले जा करके आप बाई रोड ले जा रहे हो, तो बाई रोड ले जा रहे हो तो उसे सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जिम्मेदारी सरकार नहीं निभाई, इसलिए कहीं ना कहीं पूरा शंका है कि पुलवामा कांड जो है पूर्णियोजित ढंग से जो है किया गया। सर एक बहुत चर्चित मुद्दा अब जो चल रहा है, मोदी सरकार ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी जो बेटियों ने मेहनत करके मेडल हासिल की, ये दिखाया कि हम देश के लिए समर्पण देते हैं, उन बेटियों की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने जो इल्जाम अभी लगाया है वो साबित होगा, वो तो कोर्ट का फैसला है, लेकिन उनकी सुनवाई उनके पास तो जाना चाहिए था। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ये जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा भाजपा था, भाजपा ने जितना भी नारा आज तक दिया है किसी नारे के मुताबिक काम नहीं किया, उसे उल्टा किया, निगेटिव किया। मोदी जी कहते थे कि हम महंगाई समाप्त करेंगे, तो महंगाई बढ़ा दिया। डीजल का दाम कम कर डीजल का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम कर पेट्रोल का दाम दुना कर दिया, गैस का दाम हम कम करेंगे तो 477 से 1200 कर दिया। जो ये कहते ठीक उल्टा करते हैं। अब इन्होंने जो नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ठीक उसके उल्टा वो कर रहे हैं। उनका तो स्वभाव है, नेचर उनके ब्लड में है, इसमें कोई आपको ताजुब होने की बात नहीं, आपको हैरान होने की बात नहीं। भाजपा जो कहती है ठीक उसके उल्टा करती है। भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा दिया ठीक उसके उल्टा वो कर रही है। आप देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है जो है। कानून व्यवस्था सबके लिए एक समान होनी चाहिए। आज बेटियां महीनों महीनों से जो है लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस मुल्क में बेटियां न्याय मांगने के लिए महीनों से जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं, हम उसको न्याय नहीं दे पा रहे हैं, ऊपर से हम नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये ठीक उल्टा करते हैं। इन्होंने साबित कर दिया है मैं जो कहता हूँ उस पर विश्वास भरोसा मत करो, ठीक उल्टा समझ लो, जो चीज़ मैंने कह दिया ठीक हम उसके उल्टे करते हैं। सर आखिरी है, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं या आम जनता के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, समाजवादी विचारधारा के लोग आज नहीं बहुत पहले से, और महाराष्ट्र समाजवादियों का पूरा गल रहा है। यहाँ पर मिरार गोले रही हैं, यहाँ पर जो है कि ये मधुदंडोटे रहे हैं, तमाम जैसे समाजवादी बड़े बड़े तमाम लीडर यहाँ पैदा हुए जिन्होंने समाजवाद की हमेशा लड़ाई लड़ा और अगली पंक्ति में रह करके उन्होंने लड़ाई लड़ा। अम्बेडकर जिसी धरती पैदा हुए जिन्होंने हमेशा जो है समाजवादी नीति को हमेशा अपनी नीति को लेकर के आगे बढ़े जो है, ये भारतीय जनता पार्टी जो आज वो सिस्टम वो चला रही है वह अपने आप को सबको 100 साल पीछे करना चाहती है, 100 साल पीछे ले जाना चाहती है। लेकिन उसका ये मंसूबा है पूरा नहीं होगा।
2024 के चुनाव आ रहा है, देखिए जो कर्नाटक का हालात था जो है, ये इनको तो काम में विकास में कोई विश्वास ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये भाषण दे लेते भूल जाते, इनको तो सिर्फ वोट जो है लोगों को गुमराह करके लेने की आदत है, गुमराह करके वोट लेते रहे आज तक। ये गुमराह करने में चैंपियन है, कब कैसे किससे वोट लेना, कब किससे बात करना, गुमराह करते हैं जो है। और राम के नाम पे, भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मुसलमान, जितना बार मोदी ने भारत देश का नाम नहीं लिया, भारत का नाम नहीं लिया, उससे कई गुना इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया जो है। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, धर्म, जात, इसके अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। देश कैसे आज जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन पूर्व सरकारों ने बनाया था उसको औने पौने दामों में बेच रहे हैं जो है, यही मोदी बनारस में खड़े होकर के इन्होंने कहा था हम देश को बिकने नहीं देंगे, माँ गंगा की सौगंध खाते हम देश को बिकने नहीं देंगे। और जब जनता ने इनको अवसर दे दिया तो क्या दिया, आप देख रहे हैं चारों तरफ अबानी हैं, अंडानी हैं, लोग पैसा ले ले विदेश भाग जा रहे हैं, वहाँ से लोग भिरा रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, क्या करोगे जो है। तो ये अडानी, अंबानी, ये जो है, और ये जो अभी पंजाब नेशनल बैंक का लेके पैसा बहुत बड़े पाने में भाग गया, देखिए अभी नाम नहीं याद आ रहा है जो है, तो चौक मेहुल चौकसी है, और तमाम उद्योगपति हैं जो देश के घोटाला करके जाके विदेश में बैठ जाए। अभी अडानी भी जल्दी जाने वाले हैं, अडानी भी जाएंगे तो पता चलेगा देश का कितना पैसा कहाँ जिन्होंने कैसे कैसे मैनेज किया है। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जा माफ़ कर देते हैं, किसानों का, गरीबों का कर्जा माफ़ करने के पास पैसा नहीं है जो है। ये NPA जो हुआ है इस शासनकाल में सबसे ज़्यादा NPA हुआ है, और इसके NPA की तुलना कर लीजिए कि इसके पहले कितना NPA था, आपका कितना था। अब आप NPA जो है दिखा करके अपना उसके सांठ गांठ करके बड़े बड़े उद्योगपतियों का आप कर्जा माफ़ कर देते हो, अब बैकडोर से अपना जो है पार्टी फंड में पैसा जमा कर लेते हो। यही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश को कमज़ोर किया है, इससे ज़्यादा बदतर स्थिति अब इस मुल्क में नहीं होनी है। 70 सालों में जो इस देश में, इस मुल्क में विकास हुआ था, वह जो है ये 8-9 साल में उसको मटिया मेट कर दिया है और बहुत पीछे जाके छोड़ दिया है, बहुत पीछे देश को गर्त में जा करके मोदी जी ने मिला दिया है। अगर मोदी जी देश का भला चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री कुर्सी से हट जाना चाहिए और हाथ जोड़ लेना चाहिए भारत माता से, हमसे जो भी गलतियां उसको क्षमा करना जो है, और इनको अपना झोली उठा करके वहां से हट जाना चाहिए।